कोरोना महामारी के बाद ऑक्सीमीटर की मांग तेजी से बढ़ने लगी है। होम आइसोलेशन की सुविधा होने से इसके डिमांड में 3-4 गुना से ज्यादा की वृद्धि हुई। लोग घर में अपना ऑक्सीजन लेवल नापने के लिए इसे खरीद रहे हैं। ब्रांडेड कंपनी का पल्स ऑक्सीमीटर महंगा है, जिसका फायदा उठाते हुए दूसरी कंपनियों ने कम कीमत का नकली पल्स ऑक्सीमीटर बाजार में उतार दिया। सस्ता होने के कारण आम लोग गुणवत्ता को नजरअंदाज करके इसे खरीद रहे हैं। दावा है कि नकली पल्स ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन की जांच करने पर वो फिक्स ऑक्सीजन लेवल नहीं बताएगा। ऐसे में किसी का ऑक्सीजन लेवल कम होने पर उसे पता ही नहीं चल सकेगा। पूरे देश में कोरोना वायरस के मरीजों में लगातार संख्या में इजाफा हो रहा है। अगर हम बात करें तो एक ही दिन में 1 लाख के करीब मरीज भी सामने आए हैं। ऐसे में अब एक अलग सी चीज देखने की आ रही है, अब ऑक्सीमीटर की जो डिमांड है वो बढ़ गई है। अब लोग मास्क और सैनिटाइजर के साथ साथ ऑक्सीमीटर भी अपने फर्स्ट एड किट बॉक्स में रख रहे हैं। हम मौजूद हैं प्रयागराज के लीडर रोड में। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी एक मेडिकल शॉप है और यहाँ भी जितने लोग यहाँ पर आ रहे हैं वो मास्क और सैनिटाइजर के साथ साथ वो ऑक्सीमीटर भी ले रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर ड्रग्स और केमिस्ट एसोसिएशन के महामंत्री जी हैं, हम परमजीत सिंह जी हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। हमारे साथ रोहित जी भी हैं जो कई दुकानों के मालिक भी हैं, हम उनसे सबसे पहले आप पास आएंगे कि ऑक्सीमीटर की डिमांड अब बढ़ गई है, जिस तरीके से मास्क और सैनिटाइजर की डिमांड जो है वो बढ़ी थी, कितना इजाफा हुआ है और नकली भी आ रहे हैं ऑक्सीमीटर, तो आपने क्या दिशा निर्देश दिए हैं? ऑक्सीमीटर की डिमांड काफ़ी बढ़ गई है, थर्मामीटर और ऑक्सीमीटर दोनों की डिमांड बढ़ी है। ये सच है कि मास्क की डिमांड जो शुरुआत में थी उसकी लेवल से बहुत नीचे आ गई है। सैनिटाइजर की भी डिमांड कम होगी, क्योंकि पहले सैनिटाइजर मास्क कुछ कंपनियां बनाती थी, अब इतनी कंपनियां बनाने लगी कि तो डिमांड उस हिसाब से कम हो गई है। अवेलेबिलिटी पूरी पूरी है, शहर में माल की कोई कमी नहीं है। अब इस समय लोगों को जब से होम आइसोलेशन का काम शुरू हो गया है तो ऑक्सीमीटर की डिमांड उस वजह से ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि जो भी होम आइसोलेशन में जाता है उसको ऑक्सीमीटर रखना सरकारी तौर पे जरूरी है। इस वजह से शुरू में ऑक्सीमीटर 5,000, 6,000, 4,000 रुपये का बिक रहा था, अब ब्रांडेड कंपनियों के भी ऑक्सीमीटर के दाम जो है 1,200-1,500 के अंदर आ गए हैं, और कुछ लोकल कंपनियाँ भी जो बनाकर बेच रही हैं उसके विषय में हम लोग ने व्हाट्सएप के माध्यम से अपने पेपर के आपके चैनल के माध्यम से पेपर के माध्यम लोगों से अपील करते रहते हैं कि जो भी खरीदे और जो भी बेचे वो केवल ब्रांडेड कंपनियों को ही बेचे, लोकल कंपनियों का ना बेचे। समय पड़ने पड़ने पर हम अपने अथॉरिटी से भी बात करते हैं, उनको भी इस बात के लिए प्रेरित करते हैं कि आप जगह जगह जाइए, लोगों को चेकिंग करिए, उनके बारे में देखिए और लोगों को जागरूक करिए। अभी डीएम साहब के साथ हम लोग की बैठक हुई थी, वहाँ पे भी ये चर्चा हुई। तो जब शुरू में होम आइसोलेशन का काम शुरू हुआ था तो हम लोगों ने एक किट बनवा करके डीएम साहब के कहने पे अवेलेबल कराई थी काफ़ी जगह पे, उसमें ऑक्सीमीटर भी था, थर्मामीटर भी था, सब कुछ था। तो लोग लेने आ रहे हैं ऑक्सीमीटर? हाँ, लेने आ रहे हैं। अब लोग हमारी जो किट बनी हुई है उसका रेट 1,800 रुपये कर दिया गया है, 1,800 रुपये में सब कुछ आपको मिलेगा और होम आइसोलेशन के लिए, और लोग उसको पसंद भी कर रहे हैं। और ज़रूरत पड़ने पर हमारी संस्था को अगर मैसेज मिलता है या जिन दुकानों पर अवेलेबल उनकी हमने लिस्ट डीएम साहब को दी वहाँ से होता है तो हम कस्टमर के घर तक पहुंचाने की भी व्यवस्था करते हैं। हमारे साथ रोहित जी भी हैं। रोहित जी, कितनी डिमांड बढ़ गई है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि वायरल का भी सीज़न है और सितंबर का महीना है, हमेशा कोई ना कोई वायरल फीवर रहता है, तो अब ये एक सिम्टम्स नहीं रह गया है कि अगर आपको सिर्फ बीमार हैं तो आप कोरोना हो सकते हैं। ऑक्सीजन लेवल भी एक बहुत बड़ा मायने रखता है कि अगर 90 से नीचे हो तो क्या ये सरकार की गाइडलाइन आई है कि 90 के नीचे अगर ऑक्सीजन आता है तो आप कोरोना वायरस से इफेक्टेड हो सकते हैं। तब से पल्स ऑक्सीमीटर की डिमांड एक बारगी बढ़ी है, और मैं लोगों से यही कहूंगा कि जो है सस्ते के चक्कर में ना पड़ें, जो भी लें ब्रांडेड लें, और जो भी हमारे जो लीडर रोड में लाइसेंस के जिनके पास लाइसेंस है उनसे लें, और जो रिटेलर हैं उनसे भी अगर लेते हैं तो लाइसेंस से लें, और ऑनलाइन जो बिक्री हो रही है उसकी कोई भी गारंटी नहीं है कि वो क्या दे रहे हैं, क्योंकि आप लोगों के माध्यम से और मालूम पड़ता रहता है कि जो है पेन लगाया तब भी वो बता रहा है और सब कुछ है। तो मैं सिर्फ यही अपील करना चाहूँगा कि जहाँ से भी लें सस्ते का मुंह ना देखे। डिमांड बढ़ गई है, आप मानते हैं कि प्रयागराज में अच्छी खासी बढ़ गई है? तो बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि प्रयागराज में एक बार फिर से ऑक्सीमीटर की जो डिमांड है वो अब बढ़ गई है। हालांकि यहाँ के लोगों का यही कहना है कि अगर किसी को जाना है केमिस्ट की दुकान पर वो जा रहे हैं तो ब्रांडेड ऑक्सीमीटर का ही इस्तेमाल करें। वीडियो चलने संगीत उपाध्याय के साथ सैयद आखिर पंजाब की सिटी भी प्रयागराज।